हे फ्रेंड्स, लाइटेक जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं कि हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, किस में? गूगल डॉक्यूमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं। गूगल डॉक्यूमेंट में टेबल पे जाएंगे और यहाँ पे टेबल जितनी साइज़ है 3x5 और जितना आप सेलेक्ट कर सकते हो कर लेना। जैसे ये मैं कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जैसे ए जो भी हेडिंग देना चाहता हूँ, बी सी और डी, ठीक है, तो हेडिंग दे सकते हो और फिर यहाँ पे आपका जो भी काम है वो आप कर सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ई भी आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, इंसर्ट कॉलम राइट, क्योंकि मैं राइट में चाहता हूँ और यहाँ पे ई आ जाए। अब मैं चाहता हूँ कि डी, जैसे मैं यहाँ पे एफ लिख देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले भी एक रो आ जाए, कॉलम आ जाए, मैं क्या करूँगा, लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट कर दूँगा, ठीक है, फिर मैं इसको ई दे सकता हूँ और मैं इसको एफ दे सकता हूँ, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, अब क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर, ए के ऊपर रो आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, माउस पे राइट क्लिक करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा रो अबव, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक और रो आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट रो बिलो, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि टेबल कैसे बनाते हैं, हम नाम कैसे लिखते हैं, ये तो पता ही होगा, बहुत ईजी है, ठीक है ना। उसके बाद हम इंसर्ट कैसे करते हैं रो, हम इंसर्ट कैसे करते हैं कॉलम, लेफ्ट में, राइट में, बिलो में और ये सब, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हम डिलीट कैसे करते हैं रो। जैसे यहाँ पे क्लिक किया, मैं चाहता हूँ एफ रो नहीं रहे, तो मैं क्या कर दूँगा, सॉरी कॉलम नहीं रहे, तो मैं क्या करूँगा, तो डिलीट कॉलम कर दूँगा, डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर वाली कॉलम, ये जो रो है ये हट जाए, तो मैं क्या करूँगा, डिलीट रो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रो क्या है, कॉलम क्या है। कॉलम ये है, ठीक है, ये कॉलम है, ये पूरा क्या है, कॉलम है, ये एक कॉलम है, ठीक है ना। और रो क्या है, ये रो है, ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, अब तो हमने क्या देखा, हम टेबल कैसे बनाते हैं, हम नाम कैसे लिखते हैं, हम इंसर्ट कैसे करते हैं रो कॉलम, हम डिलीट कैसे करते हैं रो कॉलम, हम डिलीट भी कर सकते हैं पूरी टेबल को, ठीक है ना। और गलती से हमने जैसे डिलीट कर दिया, तो आप सोचिए अब क्या करूँ, तो यहाँ पे वैसे भी मैंने आपको बताया था अंडू का मतलब, तो यहाँ पे क्लिक कर देना, टेबल वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन हो गए। अब क्या होता है फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ इसको कलर करना, मैं चाहता हूँ ये अलग से लुक दे, कलर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, माउस पे टेबल प्रॉपर्टी पे जाऊँगा और फिर मैं क्या करूँगा, ये टेबल बॉर्डर है, ठीक है ना, मैं सेल पे जाऊँगा और मैं येलो कर दूँगा, ये पूरा येलो हो गया, ठीक है। अब ये लुक दे रहा है टेबल की तरह। अब मैं चाहता हूँ ये जो बाउंड्री है ना, जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इस पर जाऊँगा, टेबल प्रॉपर्टी पे जाऊँगा और यहाँ पे जो ब्लैक बाउंड्री है उसको मैं रेड कर देता हूँ, तो ये सब रेड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर सेल्स के अंदर कलर देना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा टेबल पे, कोई भी कहीं पे भी क्लिक कर देना, टेबल प्रॉपर्टी पे जाना और यहाँ पे जैसे मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है ना, तो सिर्फ ग्रीन पे चला गया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मेरे को पूरा सेलेक्ट करना था एच में, मैंने गलती कर दी, टेबल प्रॉपर्टी पे जाऊंगा और यहाँ पे ग्रीन सेलेक्ट करूंगा और अब पूरे पे अप्लाई हो जाएगा, हो गया। टेबल बाउंड्री पे आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, मगर जब बैकग्राउंड की बारी आती है तब आपको अलग से बाउंड्री, जैसे मेरे को येलो चाहिए सबकी, तो ये येलो हो जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। मगर जब आप सेल्स की कलर करते हो, तो आपको पूरा पकड़ना पड़ेगा और टेबल प्रॉपर्टी पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे येलो कर सकते हो, ये येलो हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलो इतना तो हमने देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट चीज,
उसमें मेरे ख्याल से टेबल प्रॉपर्टी में और कुछ भी नहीं है। इन सबको मत छेड़ना फ्रेंड्स, ये जैसे हैं वैसे रहने देना, कुछ भी मत छेड़ना जैसे वैसे। इसमें टेबल बॉर्डर और सेल बैकग्राउंड इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आती है बारी। जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे को डी कॉलम जो है वो बड़ा चाहिए, मेरे को डी जो कॉलम है बड़ा चाहिए, बाकी सब छोटे छोटे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पहले क्या करूँगा, इंसर्ट करूँगा कॉलम लेफ्ट में, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है इसको मैं, सॉरी, इसको मैं क्या कर दूंगा, मर्ज कर दूंगा। मर्ज करूंगा तो ये सिर्फ ये वाला होगा, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा यूँ देखें। अब मैं ये इसको सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो डी के अंदर कितने दो कॉलम हो गए, ठीक है ना। डी के अंदर दो कॉलम हो गए, मेरे को दो कॉलम का काम था तो मैंने क्या किया, दो कॉलम बना दिए। मैं चाहता हूँ डी कॉलम में एक कॉलम ही रहे और थोड़ा सा बड़ा रहे, ठीक है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, सब में मर्ज क्लिक करना पड़ेगा, मर्ज सेल। इसको फिर सेलेक्ट करूँगा मर्ज सेल, इसको सेलेक्ट करूँगा मर्ज सेल, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्या क्लिक करूँगा, मर्ज सेल। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, मर्ज सेल। तो डी कॉलम मेरे लिए बड़ा हो गया और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो ये होता है टेबल का मेन रूल। रूल हम कलर, जैसे मैं डी का कलर चेंज करना चाहता हूँ, सिर्फ डी डी का, ठीक है। तो मैं कर सकता हूँ, रेड कर दूंगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती है, टेबल बहुत इजी है, आप अपने हिसाब से बनाओ। आपके पास, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आपके पास बुक्स है उधर से टेबल लो और प्रैक्टिस करने के लिए वो बनाओ। जितना आप कोशिश करोगे उतना आप टेबल में परफेक्ट होते जाओगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है टेबल बनाने का तरीका, ठीक है ना। आप, मैंने आपको बता दिया कैसे इंसर्ट करते हैं। जैसे सी के यहाँ इंसर्ट करनी है मुझे, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं चाहता हूँ सी के पहले इंसर्ट हो जाए एक कॉलम, तो हो गया। मैं चाहता हूँ सी के बाहर इंसर्ट हो जाए कॉलम, तो ये हो गया। मैं चाहता हूँ ए से पहले रो इंसर्ट हो जाए, तो इंसर्ट रो अबाव। मैं चाहता हूँ ए के बाद रो हो जाए, तो इंसर्ट रो लो। मैं चाहता हूँ कि ये डिलीट कर दूँ मैं, कोई मतलब नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए, डिलीट रो। मैं चाहता हूँ ये कॉलम डिलीट कर दूँ मैं, तो डिलीट कॉलम। मैं चाहता हूँ ये भी डिलीट हो जाए कॉलम, तो डिलीट कॉलम। मैं चाहता हूँ मेरे को ये टेबल नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर दूँगा, डिलीट टेबल, पूरी चलेगी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये जो ये पूरे में, मैं चाहता हूँ यहाँ पे पूरा कलर चेंज हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, टेबल की प्रॉपर्टी में जाऊँगा, ठीक है। और टेबल की प्रॉपर्टी में जाके सेल बैकग्राउंड कलर है उसको मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ ये वाइट ही रहे, मैं क्या करूँगा, टेबल प्रॉपर्टी पे जाऊँगा और यहाँ पे वाइट क्लिक कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऐसे होता है, करना बहुत इजी तरीका है, बस आपको मर्ज भी आना चाहिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ मर्ज, जैसे इंसर्ट कॉलम राइट, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये दोनों मर्ज हो जाए, तो मर्ज कर दिया सेल को। और फिर आप क्या करो, इसको पकड़ो इसको सेंटर में लिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये छोटा सा तरीका है टेबल बनाने का। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, एक और चीज़ बताता हूँ मैं। ये हो गया टेबल कैसे बनाते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डिलीट कर देता हूँ पूरी टेबल को। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये टेबल है, आपको ये टेबल बनानी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कितने रो है, दो कॉलम है ऑब्वियस है, और रो कितने हैं। मैं पूरी नहीं बनाऊंगा फ्रेंड्स, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दूंगा। मैं पूरी तो बहुत टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। पहले आपको ये गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 क्या है, 15 रो है और दो कॉलम है। तो इंसर्ट करना पड़ेगा टेबल,
और यहाँ पे 15 रो इंसर्ट करना पड़ेगा। ये 15 रो हो गई और दो कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा क्योंकि मर्ज करना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको क्या करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा बड़ा है गैप, तो मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करने के लिए मेरे को ऐसे ही मर्ज करना पड़ेगा। अगर मैं पूरा मर्ज करूंगा ना फ्रेंड्स तो सब कुछ गायब हो जाएगा। मैं अभी आपको बताता हूँ, टेबल बहुत इजी होती है बनानी, बहुत इजी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा दिमाग चलाना है बस, आपको थोड़े से फंक्शन आने चाहिए कि क्या होना चाहिए, बाकी टेबल बनानी बहुत इजी है। अब आप सोचोगे ना मैं सबको सेलेक्ट कर लूँ, मैं लास्ट में इसलिए छोड़ी। अब मैं चाहता हूँ ये सब मर्ज हो जाए तो ये सब गायब हो जाएगा, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको मर्ज कर लो, सेलेक्ट करना पड़ेगा मर्ज के लिए आपको। ये हो गया काम, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं सिर्फ दो बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो आप ऐसे टेबल बना सकते हैं जैसे मैंने इसमें बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं चाहता हूँ इसको कलर दे दूँ। कलर देने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको पूरे को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट वो मत करना और टेबल प्रॉपर्टी में जाना। टेबल प्रॉपर्टी में जैसे ही जाओगे सेल बैकग्राउंड आएगा, यहाँ पे जो कलर है मैच एग्जैक्ट तो नहीं करेगा, मेरे को भी नहीं पता वो कौन सा कलर आ गया, ये थोड़ा सा हल्का है, ठीक है। तो ऐसे कलर दे सकते हो आप, ये अभी भी मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे आप कलर देके और अभी मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत है हल्का, मेरे को सारे कलर चेक करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ऐसे बनती है टेबल, आप बना सकते हो और बहुत इजी है, और मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सारा का सारा अपने हाथ से लिखना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टाइम लगेगा इसमें, मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूँ टेबल कैसे बनानी है। अगर जैसे आप प्रैक्टिस करते हो तो आप सिर्फ टेबल बनाओ, भले अंदर डाटा मत एंटर करो मगर सिर्फ टेबल बनाओ। टेबल बना दोगे ना तो आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे। सिर्फ एक टेबल रोज की बनाओ, हफ्ते भर तक एक एक टेबल रोज की बनाओ, हफ्ते भर तक आप 100% गारंटी आपको टेबल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये ऐसे बनती है टेबल, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होती है टेबल बनाने का तरीका। अगर कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट्स में लिखना, मैं कोशिश करूँगा, मैं और कोशिश करूँगा कि टेबल्स के मैं और प्रोजेक्ट लाऊँ, ठीक है। जैसे मैं ये एक प्रोजेक्ट लाया, अब मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख सकता, ऐसे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एक एक लाइन लिखूंगा तो, मगर ये बनाने का तरीका है इजी वे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बाय।